अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है मास स्पेक्ट्रोमीटर। लेट्स सी हियर कि ये मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है। मास स्पेक्ट्रोमीटर बेटा ये कैसा आला है जो तीन काम करता है मेजर हमारी बुक के मुताबिक। इसमें नंबर वन है, ये एक एलिमेंट्स के आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई करता है। नंबर टू, उन आइसोटोप के एग्जैक्ट मैसेज बताता है। नंबर थ्री, उन आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस बताता है। सो हम बात कर सकते हैं द डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू, जिसे इस्तेमाल किया जाता है। नंबर वन, विच इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई different isotopes of an element, which is used to determine relative abundance of isotope, ऑफ एन एलिमेंट। और तीसरा पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच इज यूज टू डिटरमन एग्जैक्ट मैसेस ऑफ आइसोटोप्स एलिमेंट इज कॉल्ड मास स्पेक्ट्रोमीटर। प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि इसके अंदर कैसे कैसे हम ये सारे काम करेंगे। एक एलिमेंट्स के मुख्तलिफ आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उनके एग्जैक्ट रिलेटिव अबंडेंस कैसे मालूम करेंगे और उनकी मैसेस कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए देखने के लिए फ़र्ज़ करें बेटे, ये मेरे पास एक कोई एलिमेंट है। लेट्स सी हियर, ये मेरे पास एक कोई एलिमेंट है, किसी भी फॉर्म में है, गैसियस या लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में। फ़र्ज़ करें इस एलिमेंट को मैं भला क्या कह देता हूँ, इस एलिमेंट को मैं ई कह देता हूँ, ई एलिमेंट है। बट स्टेप नंबर वन में भला क्या किया जाएगा, ये ई एलिमेंट जो है इसको गर्म किया जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म, इतना गर्म कि ये कन्वर्ट हो जाए भला किसके अंदर, वेपर्स के अंदर। लीजिए, ये इसके क्या बन गए हैं, वेपर्स। अगर इस एलिमेंट के आइसोटोप मौजूद हैं तो ये ऑफ कोर्स ये वेपर्स जो होंगे ये क्या होंगे, आइसोटोपिक एटम। ठीक है, ये वेपर्स हैं इस एलिमेंट्स के, और अगर इस एलिमेंट के आइसोटोप हैं तो ये वेपर्स क्या होंगे, आइसोटोपिक एटम्स, और इनके मैसेस भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, सबसे पहले एलिमेंट्स लिया, उसको गर्म करके वेपर्स में कन्वर्ट किया, और अगर उस एलिमेंट के आइसोटोप हैं तो ये वेपर्स दर हकीकत क्या होंगे, आइसोटोपिक एटम्स। और किस आइसोटोप का कौन सा मास है वो अभी हमें नहीं पता। अब बेटे अगले स्टेप में हम भला क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गन लेंगे। इलेक्ट्रॉन गन के ज़रिए बेटे इसके ऊपर हम इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे, बम्बार्डमेंट। जब इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करेंगे हम इनके ऊपर, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इन आइसोटोपिक एटम्स के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को किक ऑफ कर इनके इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इन आइसोटोपिक एटम के बेरोनी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को किक ऑफ करके बाहर निकाल देंगे। अच्छा, किक ऑफ करके बाहर निकाल देंगे, इस तरह ये कन्वर्ट हो जाएंगे सारे किसके अंदर, आइसोटोपिक पॉजिटिव आयंस में, आइसोटोपिक पॉजिटिव। ये इन सब के क्या बन गए, आइसोटोपिक पॉजिटिव। अब इसमें कौन सा आइसोटोप का कौन सा मास है वो हमें नहीं पता, और कितने हैं वो भी नहीं पता। फ़र्ज़ कर लें इसमें से कुछ आइसोटोप का मास एक्स है और कुछ आइसोटोप का मास क्या है, वाई है, और कुछ आइसोटोप का मास क्या है, जी है। अब एक्स मास वाले कितने आइसोटोपिक एटम है नहीं पता, वाई मास वाले कितने आइसोटोपिक एटम है नहीं पता, जी मास वाले आइसोटोपिक एटम कितने नहीं पता। इलेक्ट्रॉन गन के जरिए जब इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की, उसने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, इस तरह ये आइसोटोपिक एटम्स किस में कन्वर्ट हो गए, आइसोटोपिक पॉजिटिव आयंस में। ये बेटे उन आइसोटोप के क्या हैं, आइसोटोपिक पॉजिटिव आयंस। अब आपने बेटे भला क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है। जो ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे बिटवीन टू प्लेट्स, एक पॉजिटिव प्लेट होएगी एक नेगेटिव प्लेट, तो ये पॉजिटिव आयन स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होंगे नेगेटिव प्लेट की तरफ, इस तरह ये आइसोटोपिक पॉजिटिव आयन आ जाएंगे हरकत में, एक्सेलरेशन में आ जाएंगे। एक्सेलरेट करने के बाद
आपने इन पॉजिटिव आयन को अलो करना है कि वो कहाँ दाखिल हों, मैग्नेटिक फील्ड में। किसमें दाखिल हों? मैग्नेटिक फील्ड में। इसमें वही एक्स मास वाले कुछ आइसोटॉपिक पॉजिटिव आयन हैं, कुछ वाई मास वाले हैं, और लेट कर लें कुछ जी मास वाले, ठीक है। अब जो ही इन आइसोटॉपिक पॉजिटिव आयन को मैग्नेटिक फील्ड में हम एंटर करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इनको सेमी सर्कुलर पाथ में मूव करवा देगा। और आपको और मुझे बड़े अच्छे से पता है कि अगर कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव करती है, जिसका मास ज़्यादा होता है उसका रेडियस ज़्यादा बनेगा। जो हल्की मास वाला कोई बॉडी है तो उसका रेडियस क्या होगा, कम होगा। अभी चेक कर लें आप, मैं डस्टर फेंकता हूँ, डस्टर ज़्यादा दूर गिरेगा, लेकिन अगर इसी के मद्दे मुकाबल मैं कागज़ फेंकता हूँ, कागज़ उतना दूर नहीं गिरेगा, कागज़ का मास क्या कम है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इट एक्चुअली मेक देम दीज आइसोटॉपिक पॉजिटिव आयन टू मूव इन द सेमी सर्कुलर पाथ। अब ये एक से बना देंगे सेमी सर्कुलर पाथ। अब सबसे बड़ा रेडियस वाला, सबसे बड़ा रेडियस वाले आइसोटॉपिक पॉजिटिव आयन जो होंगे कौन से वाले होंगे, जिनका मास सबसे ज्यादा, फर्ज करें वो एक्स मास वाले हैं, जिनका मास सबसे ज्यादा है तो उनका रेडियस भी बेटे क्या होगा, सबसे बड़ा बनेगा। अब एक जितने टाइप के आइसोटॉपिक पॉजिटिव आयन है ना, उतनी टाइप के सर्कल सेमी सर्कल बनेंगे। अगर उससे कम मास वाला कोई है आइसोटॉपिक पॉजिटिव आयन, तो उसका सेमी सर्कल बनेगा, लेकिन वो पहले के मुकाबले में थोड़ा क्या होगा, छोटे रेडियस वाला होगा। इसे फ़र्ज़ कर लें ये वाई मास वाला है, इसका मास कितना है, वाई है। अगर और भी टाइप के आइसोटॉपिक पॉजिटिव आयन मौजूद हैं और उनका मास इनके मुकाबले में अगर कम है, तो वो भी सेमी सर्कुलर पाथ में ही मूव करेंगे, लेकिन उसका रेडियस इनसे भी क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, उन आइसोटॉपिक पॉजिटिव आयंस जो हैं उनका मास हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, जी, ठीक है। हमें पता नहीं है वो क्या है, ठीक है बच्चों, बहुत ज़बरदस्त बात होगी। अब अगली बात जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब एक्स मास वाले आइसोटॉपिक पॉजिटिव आयन कितने हैं हमें नहीं पता, वाई मास वाले आइसोटॉपिक पॉजिटिव आयन कितने हैं हमें नहीं पता, जी मास वाले कितने हमें नहीं पता, लेकिन एक चीज़ हमें पता है कि पॉजिटिव आयन जब मूव करते हैं आइसोटॉपिक पॉजिटिव आयन, तो क्या प्रोड्यूस होता है, करंट। और करंट स्ट्रेंथ डिपेंड करती है नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन विच आर मूविंग। अगर पॉजिटिव आयन की तादाद ज़्यादा मूव कर रही है तो करंट स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, आइसोटॉपिक पॉजिटिव आयन की तादाद अगर कम मूव कर रही है करंट स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। उसके बाद बेटे आपने क्या करना है, दीज आइसोटॉपिक पॉजिटिव आयंस आर अलाउड टू फॉल ऑन द इलेक्ट्रोमीटर। इनको बेटे किसके ऊपर आपने फॉल करवाना है, इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर। इलेक्ट्रोमीटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर वेरी माइन्यूट करंट, ये बहुत थोड़े करंट को भी क्या करता है, डिटेक्ट करता है। अब इस मास वाले पॉजिटिव आयन भी इसके साथ आके बेटे टकराएंगे, इस मास वाले पॉजिटिव आयन भी इसके साथ आके टकराएंगे, और जी मास वाले पॉजिटिव आयन भी इसके साथ आके टकराएंगे। हर केस में करंट पैदा होगा, हर केस में क्या होगा, करंट पैदा होगा। फॉर एग्जांपल ये एक्स मास वाले हैं, इनके केस में करंट पैदा होता है, उसकी पी कितनी बनती है, ये एक्स मास वाला है, राइट, ठीक है, लेट कर रहे हैं। और ये वाई मास वाला है, उसके लिए जो करंट पैदा होता है वो तकरीबन इतना हो रहा है, Z मास वाला है उसके लिए करंट तकरीबन क्या हो रहा है, इतना पैदा हो रहा है। तो मुझे इस एनालिसिस से क्या पता चल रहा है, X मास वाले जो पॉजिटिव आयन है आइसोटॉपिक पॉजिटिव आयन, उन्होंने इतना करंट प्रोड्यूस किया, Y वालों ने इतना, और Z मास वाले आइसोटॉपिक पॉजिटिव आयन ने इतना करंट प्रोड्यूस किया। तो उससे मुझे बेटे ये बात क्लियर हो गई है कि जो Z मास वाले आइसोटॉपिक पॉजिटिव आयन है उनकी तादाद ज़्यादा है, उन पॉजिटिव आयन की तादाद ज़्यादा है तो ज़्यादा फ्लो करेंगे तो करंट भी उनका ज़्यादा पैदा होगा। जो एक्स मास वाले पॉजिटिव आयन हैं उनकी तादाद जी से क्या थोड़ी कम है, और वाई मास वाले जो पॉजिटिव आयन हैं उनकी मास इन दोनों से क्या है, उनकी तादाद इन दोनों से क्या है, कम है। क्लियर होगी बात ये, तो इसे एक और बात क्लियर होगी, अगर जी मास वाले पॉजिटिव आयन की तादाद ज़्यादा है तो हम कहेंगे उसकी रिलेटिव अबंडेंस ज़्यादा है, उसकी परसेंटेज अबंडेंस ज़्यादा है, ठीक है। और सबसे कम वाई मास वाले आइसोटॉपिक पॉजिटिव आयन हैं तो उनकी रिलेटिव अबंडेंस इन दोनों के मुकाबले में क्या होगी, कम होगा। तो रिलेटिव अबंडेंस असल में क्या होता है, इट इज़ द परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट एज कम्पेयर टू ऑल अदर आइसोटॉप ऑफ द एलिमेंट। एक एलिमेंट में मौजूद एक आइसोटॉप की परसेंटेज उस एलिमेंट के दूसरे तमाम आइसोटॉप के मुकाबले में मकदार, उसे हम क्या कह देते हैं,
रिलेटिव अबंडेंस। तो लिहाजा जौन सा आइसोटोप जितनी ज्यादा मिकदार में होगा उसके पॉजिटिव आयन भी उतनी ज्यादा तादाद में बनेंगे और उनकी रिलेटिव अबंडेंस भी क्या होगी ज्यादा। बट ये एक प्रोसीजर है जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं, रिलेटिव अबंडेंस मालूम कर सकते हैं। अब देखते हैं मास कैसे मालूम करेंगे। और मास के लिए बेटे आपको याद होगा हमने स्टैंडर्ड चुना हुआ था कार्बन 12, यानी कार्बन 12 कार्बन के तीन आइसोटोप है ना, कार्बन 12 कार्बन 13 कार्बन 14, और स्टैंडर्ड हम किसे चुनते हैं, कार्बन 12 को। और कार्बन 12 के मास का 1/12 पार्ट जो होता है वो हम लेते हैं और उससे हम कंपेयर करके करते हैं। चले मास के लिए हम क्या करेंगे, सेम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म विद द C12। किसे परफॉर्म करना है आपने, C12, यानी C12 को भी आपने इतना गर्म करना है कि C12 के क्या बन जाएंगे, वेपर्स। क्या बन जाएंगे, वेपर्स। और चूंकि ये सिर्फ C12 ही है तो इन सब का मास कितना होगा, 12 ही होगा ना, इन सब का मास क्या होगा, 12 ही होगा। अब आपने अगला काम क्या करना है, इलेक्ट्रॉन गन के जरिए इसके ऊपर भी क्या फेंकना है आपने, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इनके भी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी। इस तरह ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव आयंस में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव आयन। अब ये पॉजिटिव आयन जो हैं इन सब का मासिस तो सेम ही होगा ना, 12 ही रहेगा, और ये मास कन्फर्म है, स्टैंडर्ड है ना, तो वो कन्फर्म होता है। अब इसको भी किस में से पास करेंगे, ऑफकोर्स मैग्नेटिक फील्ड में से। किस में से पास करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में से, इसे एक्सेलरेट। अब जब इसे मैग्नेटिक फील्ड में पास करेंगे तो ये भी क्या करेगा, एक पर्टिकुलर रेडियस में क्या करेगा, टकराएगा, मूव करेगा। 12 मास जो कि कन्फर्म है हमारे पास, 12 मास। अब ये भी टकराएगा भला किसके साथ, इलेक्ट्रोमीटर के साथ। ये क्या बेटे हमारे पास, इलेक्ट्रोमीटर। जो ही ये टकराएगा तो ही प्यारे बच्चों ये क्या प्रोड्यूस कर देगा, करंट। यानी कार्बन 12 भी क्या प्रोड्यूस कर देगा, करंट प्रोड्यूस कर देगा। क्या प्रोड्यूस कर देगा बेटे, करंट प्रोड्यूस कर देगा। ठीक होगी बात, ये कार्बन 12 का करंट है, लेकिन हमने मास का कंपैरिजन जो करना है वो कार्बन 12 के मास से कंपेयर नहीं करना, हमने कार्बन 12 का जो 12 मास है उसके 1/12 पार्ट से कंपेयर करना है। तो 1/12 पार्ट कितना होता है, 1 AMU। फर्ज करें ये कार्बन 12 के 12वें हिस्से का पार्ट है जिसे हम 1 AMU कह लेंगे, ठीक है। तो ये कार्बन 12 के 12वें हिस्से का मास जो है ये 1 AMU जो है उसका करंट इतना निकल रहा है। तो एस्टिमेटेड आप कह लें कि इसमें 5 लाख एटम्स या 5 लाख आइसोटोपिक पॉजिटिव आयन है, तो उसका मास 12वें हिस्से का वो 1 है। अब एक्स ये हमारे आइसोटोप का मास था, आइसोटोपिक पॉजिटिव आयन। अब ये करंट स्ट्रेंथ इसके मुकाबले में कितनी है, फर्ज कर लें ये कितने टाइम है, इसके मुकाबले में 2 गुना है, और ये फर्ज कर लें ये इसके मुकाबले में क्या है, हाफ है, और ये फर्ज कर लें इसके मुकाबले में कितनी है, 7 टाइम है। क्या है, 7 टाइम। तो ये क्लियर हो गया, यानी ये इसके मुकाबले में 2 गुना है, तो ये जो एक्स है ये जो आइसोटोप है इसका मास क्या होगा, 2। अगर ये इसके मुकाबले में कितने हैं, ये करंट स्ट्रेंथ इसके मुकाबले में कितना है, 0.5 टाइम है, तो हाफ मास होगा। अगर ये इसके मुकाबले में 7 टाइम है तो क्या होगा, 7 मास होगा। क्या होगा, 7 मास। बेटे क्लियर होगी बात ये। तो असल में सेम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म विद द C12। तो C12 जो है ये हमें क्या करेगा, ये भी करंट स्ट्रेंथ देगा। आइसोटोपिक पॉजिटिव आयन ने जो हमारे पास करंट स्ट्रेंथ दी है उनकी करंट स्ट्रेंथ और कार्बन 12 की करंट स्ट्रेंथ का कंपेयर करेंगे, तो उसके कंपेरिजन से हमें पता चल जाएगा कि उन आइसोटोप्स का मास क्या है। बट क्लियर होगी बात ये, मैसेज फिर इस तरह हमें फाइंड आउट होगा। मसलन मैं कहता हूँ ये अगर 1 मास है और एक और आइसोटोप है जो अननोन है मेरे लिए, और उसकी करंट स्ट्रेंथ जो है वो तकरीबन इसका 20 गुना है, तो ऐटोमेटिकली उसका मास कितना होगा फिर, 20 टाइम। करंट स्ट्रेंथ कंपैरिजन, दोनों में पार्टिकल्स की तादाद सेम है। अगर ये 50 लाख एटम्स की बात कर रहे हैं कार्बन 12 के, तो ये भी क्या होने चाहिए, 50 लाख एटम्स की। वह पार्टिकल कम हो ज़्यादा हो वो कंप्यूटर खुद ही उसकी क्वांटिटी क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। अब फॉर एग्जांपल ये कोई और आइसोटोप है और उसकी करंट स्ट्रेंथ 50 लाख पार्टिकल्स की कार्बन 12 की करंट स्ट्रेंथ के मुकाबले में कितने गुना है, 4 गुना है, तो ऑटोमेटिकली उसका मास क्या होगा, 4 गुना होगा। मेरे ख्याल में बच्चों ये बात अच्छे से आपने क्लियर कर ली, इसका विद इन नो टाइम स्क्रीनशॉट लें। आई एम गोइंग टू रिमूव दिस वन। अब हम इसकी थोड़ी सी वर्किंग की तरफ आते हैं, और मुझे ये अंदाज़ा है कि आपने ये सारी बात इधर से ही बांप ली होगी। प्यारे बच्चों नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है, हमने बात की थी
कि मास स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम तीन काम करते हैं। उसमें नंबर वन क्या है, एक एलिमेंट के आइसोटोप को आइडेंटिफाई करते हैं। नंबर टू क्या है, एक एलिमेंट के आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस मालूम करते हैं। नंबर थ्री क्या है, एलिमेंट्स के आइसोटोप की एग्जैक्ट मैसेज मालूम करते हैं। बट ये तो डिवाइस का नाम हो गया, और ये जो टेक्निक है ना, इस टेक्निक को हम भला क्या कहते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीट्री। इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीट्री। ठीक होगी बात ये। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, बहुत आसान बेटे से इसका बेसिक प्रिंसिपल, और अगर आपको थोड़ा सा जहन में है तो वो हम पहले ही कर चुके हैं। यानी इसमें सबसे पहले एलिमेंट्स को हमने क्या करना है, वेपराइज करना है, वेपराइजेशन करनी है। वेपराइज करने के बाद इसे आयोनाइज करना है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट कर उन वेपर्स के ऊपर इसे आयोनाइज करना है। और जब इसे आयोनाइज कर लेंगे तो डिफरेंट आइसोटॉपिक पॉजिटिव आयन विल हैव अ डिफरेंट मास टू चार्ज रेशियो। उसके बाद दे विल बी सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट मास टू चार्ज रेशियो। सेपरेशन के बाद इन आइसोटॉपिक पॉजिटिव आयन को जब सेपरेट कर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड के, दे आर रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ पीक्स। अब अगला टास्क क्या होगा, रिकॉर्डिंग इन द फॉर्म ऑफ पीक्स। अब बेटे इसे किस शक्ल में, आपने पीक्स की शक्ल में रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है, पहले वेपराइज करेंगे, फिर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट कर उन वेपर्स को हम आयंस में कन्वर्ट कर लेंगे, आयनाइजेशन। फिर उन आयंस को मुख्तलिफ मास टू चार्ज रेशियो की बुनियाद पर हम सेपरेट करेंगे, फिर पीक्स की शक्ल में हम क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास सारे क्या आ जाएंगे, रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है बेटे, ये गाहे बगाहे जो है ये डिफरेंट टाइप के